तारीख 17 जनवरी सन 2023 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज दो टुक बेबाक खरी खरी बात करते हैं अमेरिका और भारत के मोस्ट वांटेड मुसीबत बने दाऊद इब्राहिम की। बेचारे ने बुढ़ापे में दूसरा निकाह क्या कर डाला, मानो जमाने में किसी गैर का सीना ही चाक कर दिया हो। मजे की बात तो यह है कि बुढ़ापे में भी जवानी के शौकों के शौकीन शौहर के दूसरे निकाह के अंदर की पूरी दास्तां खुद ब खुद दाऊद की पहली तलाकशुदा बेगम महजवीन ही जमाने के सामने सरेआम कराई हैं। पाकिस्तान से दुबई की यात्रा में बीते साल यानी सन 2022 के सितंबर महीने में, जब भारत में रहने वाला दाऊद का भांजा मामी से मिलने दुबई पहुंचा था, जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर दूसरा निकाह कर डालने सी हैरत अंगेज खबर भांजे अली शाह को पेट में भी नहीं बची। सो उसने हिंदुस्तानी एजेंसियों को बूढ़े मामूजात के दूसरे निकाह की कहानी बेबाकी से बयान कर चौंका दिया। इस बारे में टीवी 9 डिजिटल के इस विशेष संवाददाता ने मंगलवार को बात की 1974 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह से। शादी तो शरीफों की होती है, माफिया की कहीं शादी वादी होती है। दूसरी शादी का मतलब यही होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को गुमराह कर देना, कहते हैं ये बीवी यहाँ है, या फिर प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के। लेकिन इन लोगों को प्रॉपर्टी को बेनामी तो होती नहीं, इनको तो जो बन जाएगा डंके की चोट पे करेंगे। दूसरी शादी का मतलब इसमें, क्योंकि उम्र दराज है, शादी हो चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, साम्राज्य चल रहा है, ये तो मैं समझता हूँ कि किसी के ये मरीज इश्क हो सकते हैं, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाने इंटेलिजेंस एजेंसीज को गुमराह करने की नीयत से। बेनिफिट मिल जाएगा प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन में, या किसी भी कंट्री में रहेगा प्रॉपर्टी अगर है तो, अगर मल्टीपल होते हैं तो टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है, दुश्मनों की नजर में चीजें आ जाती नहीं आती उनके लिए। निसंदेह पता बदला है सबसे बड़ा कारण होता है दूसरी शादी, दूसरा घर बसाने का मतलब दूसरा घर बसाना, कि दूसरा पता बदल जाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज थोड़ा उधर भी कॉन्सेंट्रेट करें। और डाइग्रेशन जिसको कहते हैं डिसेप्शन, चोर भी डिसेप्शन करता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी डिसेप्शन करती हैं, डिसेप्शन तो डिसेप्शन के लिए ये दूसरा ये हो सकता है, दूसरी शादी डिसेप्शन के लिए भी की जाती है, गुमराह करना, डिरेल करना, इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करना, इंटेलिजेंस ऑपरेशन को डिरेल करना। अपने दुश्मन नंबर वन मोस्ट वांटेड द्वारा हाल ही में पाकिस्तान में पता बदल लिए जाने और बुढ़ापे में दूसरा निकाह कर डालने की खबर ने अमेरिकन और हिंदुस्तानी एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। कान खड़े हो जाना लाजमी भी है, क्योंकि यह मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम जो है न कि गली कूचे का कोई जेब कतरा। वो दाऊद इब्राहिम जो कभी भी बिना किसी मकसद के कोई कदम उठाता ही नहीं है, तो क्या उसने बुढ़ापे में दूसरा निकाह भी किसी खास मकसद से ही किया होगा? जेहन में कौंधते इस सवाल का जवाब आप खुद ही अपने कानों से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश कैडर 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी और यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पद से रिटायर्ड राजेश पांडे से, जिन्होंने सन 1997-98 में देश के कुख्यात शार्प शूटर शिपिका शुक्ला को दिन दहाड़े घेर कर हमेशा हमेशा के लिए ढेर कर डाला। वैसे तो शादी करना न करना ये किसी का बिल्कुल निजी फैसला हो सकता है, निजी कारण हो सकते हैं, या निजी उसका बर्ताव जो है या उसकी निजी आवश्यकता हो सकती है किसी से शादी करना। पहली पत्नी है, नोन है, इंटेलिजेंस एजेंसी को भी सब पता है, सारी चीजें हैं, लेकिन इनकी बात का यकीन नहीं कर सकते आप। मैं बहुत लंबे समय ATS और STF में मैंने तमाम जो प्रकरण इन लोगों से संबंधित भी देखे हैं, इनका कोई यकीन नहीं है। जब तक ये सही सही न पता लग जाए कि ये शादी क्यों की गई है, देखिए ये जरूरी नहीं है कि उसने बुढ़ापे की लाठी के लिए शादी की हो, या इस बुढ़ापे में उसके दिमाग में रंगीन मिजाजी सवार हो गई हो, या उसे किसी उस महिला से जिससे शादी की है उससे उसकी धन दौलत पे उसकी नजर हो, या जो महिला है उसका कोई बड़ा नेटवर्क देश में हमारे यहाँ भारत में चल रहा हो जिसके सहारे वो और आगे बढ़ना चाहता हो। तो सही वजह जब तक न पता लगे इनके किसी मूव पे कभी यकीन नहीं किया जा सकता। देखिए बिल्कुल वो मैंने भी पढ़ा कि उसकी पहली वाली पत्नी ने
अपने भांजे से आके बताया कि वो ये कर्म करता है दुबई में जाके। दुनिया भर की बातें मैंने भी उसमें पढ़ी हैं, नेट पे भी पढ़ी हैं और उसमें भी पढ़ी हैं। देखिए ISI के कब्जे में है, वो पाकिस्तान की सुरक्षा में है, सुरक्षा घेरे में है, पाकिस्तान डिनाई करता है। लोग वो कहते हैं कि नहीं तो हमारे यहाँ नहीं है, कहीं और है, लेकिन हमारी एजेंसी बहुत मजबूत और उनका तंत्र बहुत मजबूत है। और मुझे पूरे यकीन से अपने जो हमारे एजेंसी कहती हैं मैं उन पर 100% यकीन करने वाला व्यक्ति। खाली इसको इस निगाह से देखना कि उसने बुढ़ापे में शादी कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। ये फिर हमारा अनुमान भी गलत हो जाएगा। और हमको प्राइमा फेसी उसकी फेस वैल्यू पर सिर्फ ये नहीं, इसके पीछे क्या कारण है, वो महिला कौन है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट हैं, क्या पहले से किसी नेटवर्क को वो साध रही है, बहुत चीजें देखने लायक होंगी, तब इस बात पे यकीन किया जा सकता है कि हाँ भाई उसने की। दाऊद को तो 92 से खंगाल नहीं, और सारी एजेंसी हम ही नहीं खंगाल रहे हैं, सारी इंटरनेशनल एजेंसी खंगाल रही है, किसको छोड़ा है इसने। भाई जो ये मादक पदार्थों का जो तस्करी थी उससे तो सब परेशान है ना, ये पूरा गैंग वहां से चला रहा था पैसों के लिए, तो सभी ने खंगाल रखा है। अब जो नया टारगेट है इसकी दूसरी बीवी को खंगालना ही होगा, तभी हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्यों शादी की। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों के पूर्व कारिंदों की बात करें तो यह दाऊद इब्राहिम है, जो कभी भी बिना पाकिस्तानी आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के रहम और करम के जिंदा रह ही नहीं सकता। TV9 डिजिटल चैनल से बात करते हुए मंगलवार शाम यानी 17 जनवरी सन 2023 को हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी NK सूद ने तो दो टूक कहा कि दाऊद का पाकिस्तानी आर्मी वहां की खुफिया एजेंसी ISI के साथ खून और खाल का सा रिश्ता है, जिस दिन इनकी आपस में बिगड़ेगी तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। NK सूद आगे कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम चाहे कितने भी पते ठिकाने क्यों ना बदल ले, मगर वो जिंदा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी वाले डिफेंस एरिया में ही रह सकता है, जहां चप्पे चप्पे पर लगी रहती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नजरें। सुनिए आखिर क्या बोले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रिटायर्ड DCP और दबंग एनकाउंटर स्पेशलिस्टों में शुमार रह चुके एलन राव। दुनिया की एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने ऐसे खतरनाक दाऊद इब्राहिम के बारे में। ये क्या सिचुएशन है वो यही समझ पाएगा, और क्या रीजन भी है वो भी बता पाएगा। लेकिन अपरेंटली जो हमको लग रहा है, जो आदमी फ्यूटी होता है, फ्यूटी यानी कि जो भगोड़ा होता है, उसको अपनी पहचान छुपाने के लिए या अपने आप को इधर उधर से बचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं जो ये अपना रहा है। एड्रेस बदलने का तो मकसद ये होगा कि लोगों को हो सकता है कि मिसगाइड करे कि मैं इस एड्रेस पे नहीं, इस एड्रेस पे रहता हूँ। शादी करने का एक ये भी मकसद हो सकता है कि फैमिली वाला आदमी होगा, शादीशुदा आदमी होगा, आपको क्राइम तो करने रहा, बट पुराने जो कारनामे वो तो उसके पीछे रहेंगे ना, वो थोड़ी खत्म हो सकती है। ये कुछ बात हो सकती है उसके मन में क्या चल रहा है, अपने लिए तो एक कोई भी अगर कॉमन सेंस के आदमी कुछ बात सोच सकते हैं वो ये सोच सकता है कि अपने आप को कहीं सुरक्षा एजेंसियों से बचाने के लिए या कुछ ऐसी बात करने के लिए कर सकता है। बाकी आप बेहतर समझते हो। भारत और अमेरिका के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद द्वारा बुढ़ापे में दूसरा निकाह कर लेने और उसके ठौर ठिकाना बदल लेने की तह में आपको पहुंचाती पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज बस इतना ही। इसी के साथ आप मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत, बुधवार रात में लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, आइंदा भी पॉडकास्ट की कड़ियों के जरिए ऐसी खरी खरी दो टूक सुनने को TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।